हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके। मौसम के बदलते ही तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे जीवाणु वातावरण में पनपते रहते हैं और हम सभी इनके संपर्क में आते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऋतु परिवर्तन होते ही अक्सर बीमार होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग बीमार होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। अक्सर छोटे बच्चे इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो चलिए आज बच्चों की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के विषय में ही बात करते हैं। जिन बच्चों ने अपनी माँ का दूध पिया होता है उनका इम्यून सिस्टम प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली होता है, इसलिए बचपन में हर स्त्री को अपना दूध अपने बच्चे को अवश्य ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका है। इसमें सभी उत्तम प्रकार के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत आवश्यक हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे, बच्चे को भरपूर फल व सब्जियाँ खिलानी चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साबुत अनाज, बीज, फलियाँ, दूसरे खाद्य पदार्थ जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी सिक्स और विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और ये सभी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होते हैं। बच्चों को भरपूर नींद लेने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है तथा इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अपने बच्चे को नशीली चीज़ों से दूर रखें। उनके सामने शराब, सिगरेट, गुटखे आदि का सेवन बिल्कुल ना करें तथा बच्चों को चाय, कॉफ़ी पिलाने की आदत ना डालें। बच्चों को भरपूर खेलना चाहिए, इससे एक प्रकार का प्राकृतिक व्यायाम हो जाता है। इसके लिए बच्चों की भरपूर मदद करें, उन्हें खुले वातावरण में ले जाएं, खूब खेलने दें, धूप का सेवन भी कराएं। बच्चों को सफाई से रहना सिखाएं, इसके लिए भोजन करने से पहले हाथ धोने की आदत डलवा दें। खेलने के बाद, स्कूल से आने के बाद व वॉशरूम यूज़ करने के बाद तथा जानवरों के साथ खेलने के बाद उन्हें हाथ धोने की आदत होनी चाहिए। यह छोटी सी आदत उन्हें बहुत बड़ी सुरक्षा देती है। अच्छे बैक्टीरिया आंतों के मार्ग के लिए उपयोगी होती हैं। अच्छे बैक्टीरिया से आंतों को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ यानी अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर खाद्य पदार्थ बच्चों को खिलाएं, जैसे दही, छाछ आदि। बच्चों को बहुत सारा प्यार दें, इससे उनका संपूर्ण विकास होता है। अपने बच्चे को समय दें, उनसे प्यार से बात करें, उनकी दिनचर्या में भाग लें। छोटी छोटी बात पर या किसी भी बात पर उन्हें डांटें या मारे पीटें नहीं, इनसे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें बेवजह एंटीबायोटिक ना दें, क्योंकि इनका अत्यधिक उपयोग अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश प्रतिदिन सेवन कराएं, क्योंकि इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं जो शरीर के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। बच्चों को हल्दी, काली मिर्च, अदरक आदि दूध में उबाल कर देते रहना चाहिए। आंवले का मुरब्बा इम्यूनिटी बढ़ाने का अच्छा साधन है। तुलसी के पत्तों का सेवन भी बहुत लाभदायक है। इसके अलावा बचपन में लगने वाले इंजेक्शन यानी सभी टीकों का पूरा कोर्स करवाना चाहिए। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपने बच्चे की देखभाल करेंगे तो वह सारी उम्र ही स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।